कि मैंने थोड़े टाइम पहले ही रुद्राक्ष पहना, एंड उसके बाद जो मुझे ये कैरेक्टर मिला उसका नाम भी रुद्र था। मैं वो भी बहुत हार्डवर्किंग है, मैं भी बहुत हार्डवर्किंग हूँ। मैं और सिम्बा तो कभी कभार इतना हंसते हैं सीन्स के भी, कोई सीन होता है कि हमारी आर्ग्यूमेंट है बट वी लाफ जेन्युइनली। बहुत थैंकफुल हूँ एकता मैम को भी। और बहुत रुद्र को इतना प्यार मिल रहा है नागिन 6 में, जब से भाई आया तो वो अलग लेवल पे पहुंच भाई गया। मैंने थोड़े टाइम पहले रुद्राक्ष पहना था ये, एंड मतलब ये इतना कोइंसिडेंस की बात है कि मैंने थोड़े टाइम पहले ही रुद्राक्ष पहना, एंड उसके बाद जो मुझे ये कैरेक्टर मिला उसका नाम भी रुद्र था। और यूजुअली क्या होता है कि शूट वगैरह पे उतारना पड़ता है ये सब चीज़ें, बट मेरे को मुझे नहीं उतारना पड़ता बिकॉज नाम ही रुद्र है। तो इट्स अ वेरी कोइंसिडेंटल कोइंसिडेंस की बात है ये, कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मैंने रुद्राक्ष पहना और वो शिवा ने अपने आप ही मुझे, यू नो, शिवा भगवान ने अपने आप ही मुझे उस चीज़ के लिए ब्लेस कर दिया कि हाँ रुद्र। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं जेन्युइनली बहुत थैंकफुल हूँ एकता मैम को भी, बिकॉज उन्होंने उतना मुझे ट्रस्ट किया एंड ये चीज़ मुझ में देखी और मुझे वो मौका दिया। पुराने साथी भी मिल रहे थे रश्मि के साथ भी, जब आमना सामना होता है कोई भी सीन होते हैं बड़े अच्छे निकल के आ रहे हैं वो। ये भाई देखो बात ऐसी है कि प्रोफेशनली एंड आई थिंक हम लोग बहुत ही अपना काम पे फोकस करते हैं, वो भी बहुत हार्डवर्किंग है, मैं भी बहुत हार्डवर्किंग हूँ, अपना काम करते हैं और सब बढ़िया है, बढ़िया। सिम्बा के साथ भी बहुत मस्ती सिम्बा के साथ भी, हाँ सिम्बा मैं इतना अच्छा निकल। हम मैं और सिम्बा तो कभी कभार इतना हंसते हैं सीन्स के बीच में, जैसे कभी कभी अभी कोई सीन होता है कि हमारी आर्ग्यूमेंट है बट वी लाफ इतना ना कि फिर कट के बाद दोबारा टेक लेना पड़ता है ऐसा। सो ये है।